नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह बार बार अपने प्रत्याशी बदले हैं, उसे लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उनके इन फैसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उन पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं, जिसे लेकर आकाश आनंद ने निशाना साधा है और वो कहा है कि वो एक एक सीट पर चार चार प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, जो तौर तरीके से चुनाव नहीं सकता है, अपनी पार्टी नहीं चला सकता है, वो सरकार क्या चलाएगा। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बीजेपी पर भी खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं, सरकार में उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं, उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं इसका फैसला जनता का काम है। क्या बसपा के लिए सॉफ्ट है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुजन समाज पार्टी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने के सवाल पर आकाश आनंद ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि बसपा के लिए भाजपा के मन में कोई सॉफ्ट कर्नर है। प्रधानमंत्री किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जानते हैं, हम तो उनके मन की बात जो है वो नहीं समझ पाए। आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले सालों में जो किया है वो जनता बखूबी देखती आई है। जिस तरह विपक्ष के नेता भ्रष्ट बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये पूरी जनता जो है वो देख रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है। वो बसपा के स्टार प्रचारक भी हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आकाश आनंद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर भी खुलकर निशाने साध रहे हैं। नगीना से चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि कुछ दिनों पहले तक एक आदमी इंडिया गठबंधन में किस तरह शामिल होने की कोशिश कर रहा था, तो कोई एक सीट दे दे और ये निशाना चंद्रशेखर आजाद की तरफ था। बाकी जिस तरीके से आकाश आनंद ने निशाना साधा है उस पर अपनी राय बताई। धन्यवाद।